निकलते हैं वो हमारी भाषा नहीं हो सकती। हमारी भाषा तो मुलामियत की भाषा है, और यह जो समझेगा उस दर्द को समझेगा वो भाषा हिंदी को समझेगा, लेकिन हम उस भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे जहां दया न हो, जहां अहिंसा न हो, जहां क्षमा न हो, जहां उदारता न हो। हमारी भाषा तो उदारता की भाषा है, और शायद जब वे कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यह समझना चाहिए और इसको स्वीकार भी करने चाहिए। हम वे लोग हैं जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और इसी बात को विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि हिंदी भाषा को सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक मूल्य मानना जाना चाहिए। अगर यह बात कह रहे हैं कि एक मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, तो मॉरिशस की संसद ने 2001 में एक अधिनियम बनाया और उन्होंने वहां पर एक रामायण सेंटर की स्थापना की, और उसी के साथ उन्होंने जो उधर के आसपास के क्षेत्र हैं, मॉरिशस, गयाना, फिजी, सुरीनाम, उस क्षेत्र में जो रामायण के द्वारा उन्होंने हिंदी धर्म का जय पताका फहराने का भी काम किया। हम यह समझ सकते हैं कि यह भाषा हमारी अस्मिता मूलक जो संघर्ष है कि कैसे बची रहे, वहां को उन्होंने धर्म को बचाने के लिए बोली हो सकती है। हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं, यह 2001 में मॉरिशस की संसद ने किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उधर आसपास के गांव में रोज प्रतिदिन घरों में कीर्तन होने लगे, रोज वहां पर एक जो हिंदी का स्वरूप था वो हर घर में विजय पताका फहराने लगा। अगर मैं यह बात कह रहा हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क की वह कवित्री याद आती है, पूर्णिमा देसाई। पूर्णिमा देसाई कहती है कि हिंदी के प्रति जो सम्मान है, वो कहती है कि मैं हिंदी हूँ, भारत माँ की बिंदी हूँ, मैं भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी हूँ। अर्थात जिस प्रकार एक न्यूयॉर्क में इस भाव के साथ वह कवित्री जब कहती है, तो वह भारत के हिंदी को अपनाती ही नहीं है बल्कि भारत के पूरे परिवेश को बिंदी, जैसा कि आप सब जानते हैं और हमारे आदरणीय कुलपति और आप सब लोग, हमारी बिंदी हमारे किस चीज की प्रतीक है, हमारे सुहाग की प्रतीक है। उस तरह यह पूर्णिमा देसाई कहती है कि भाषा ही नहीं है, हिंदी हमारे सुहाग की प्रतीक, अर्थात हमारे जीवन में रचने बसने का प्रतीक है। अगर यह बात कहती है तो यह भूलना नहीं चाहिए कि किस प्रकार अमेरिकन कवि श्री राम बाबू गौतम ने कहा कि माटी मेरे देश की चंदन, माथे पर लगा कर देखो, याद में बहती गंगा जमुना, आंखों से नहा कर देखो। अगर यह बात होता है तो ख्याल करिएगा 21वीं सदी में जिस लॉर्ड मैकाले ने हमारी पूरी भाषा को ध्वस्त करने का काम किया, यह अमेरिका से राम बाबू गौतम करते हैं कि हमारे आंखों से नहाई हुई जो भाषा है वो हिंदी। अगर मैं यह बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा जब हम सितंबर में हिंदी दिवस मनाते हैं, अभी बड़े आदरणीय मानस पांडे सर कह रहे हैं तो मैं भी उस पर अपनी सहमति देता हूँ कि हमको तो रोज हिंदी में नहाना चाहिए, खाना चाहिए और बिछाना चाहिए। शायद यह बात अगर कही जाती है तो स्वाभाविक है कि हिंदी वह भाषा है जिसके द्वारा हम आने वाले दिनों में सिरमौर बन सकते हैं। और कहीं भी अगर यह हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जिस हिंदी को लेकर हम अपनी बात कहते हैं वो उस हिंदी भाषा से झिझक क्यों। मुझे हिंदी के प्रतिष्ठित कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता याद आती, वो मेरी भाषा। वो कहते हैं जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है कांच के पास, वाइवान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। वो मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। अर्थात एक भाषा का दर्द क्या होता है यह जीव जानती है, और स्वाभाविक है अगर यह इतना बड़ा बात एक कवि कह रहा है तो कहीं न कहीं उसको अपनी भाषा के प्रति छटपटाहट है, वेदना। और हमारे समय के बहुत प्रतिष्ठित नवगीतकार थे सोम ठाकुर, उन्होंने कहा करते हैं तन से मन से बंधन, जन गण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपने संस्कृति का आराधन अपनी भाषा का। अर्थात अपनी भाषा का जब हम स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक है जब मुगलकालीन समय में हम देखते हैं तो कहीं न कहीं जब जहां राम राज्य की बात आती है तो तुलसी बाबा वहां डट कर खड़े होते हैं। उस मुगल संस्कृति में जहां कहते हैं कि भिखारी को भीख भली, नौकर को चाकर को चाकरी, उस समय एक हिंदी का कवि राम राज्य की स्थापना को लेकर उपस्थित होता है। कैसे राम राज्य आए, वो भी अवधि का कवि, किस प्रकार उन्होंने राम राज का एक विकल्प दिया और भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रभाव मान रखा। मैं शुरू में ही कहा
भारतीय भाषाओं को लेकर जो हमारे सामने दुविधा या संकट है, संकट यह नहीं है कि हम भाषा को कैसे छलित होने से बताएं, जबकि संकट यह है कि हम उसको आत्मसात करें, संकट यह है कैसे हम उसको अपने जीवन में उतारें। अगर मैं यह बात कह रहा हूं तो कहीं न कहीं इसके पीछे तुलसी बाबा रामचरितमानस में शुरुआत में ही लिखते हैं, नाना पुराण निगमान सम्मतियत रामायण निगतम क्वचिंद अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंति मंजुल मात नोत। अर्थात उन्होंने किस प्रकार रामचरितमानस में अवधि को भाषा को लेकर ही जन जन के घरों में पहुंचाया। और यह कम बात नहीं, जैसे मैं शुरू में ही कह रहा था कि हमारे आदरणीय कुलपति जी ने 100 से अधिक रिसर्च कराकर किस प्रकार दक्षिण में हिंदी को रोपा, उस हिंदी को अवधि माध्यम से ब्रज के माध्यम से किस प्रकार हमारे मध्यकाल के कवियों ने अपने समय के अनुसार उसमें रोपा। और मैं कहूं अगर यह बात कहने में संकोच नहीं होती जो भाषा का जादू होता है सिरकर सिर पर चढ़ के कैसे बोलता है। मैं अंत में समय की मर्यादा को ध्यान रख के सीमित कर रहा हूँ, अंत में बात कह रहा हूँ। अगर आपने सूरदास का नाम सुना होगा, सूरदास का एक भ्रमर गीत, उसमें जब कृष्ण के यहाँ से उद्धव आते हैं गोपियों को निराकार या उनसे विरह का उनका संग साथ छोड़ाने के लिए, तो वो सब पूछती है कि कृष्ण ने कुछ चिट्ठी पत्ती लिखा है, तो उद्धव कहते हैं हाँ। जब वो चिट्ठी राधा को देते हैं, राधा उसको पढ़ती है, तो सूरदास एक जगह लिखते हैं, हो गई श्याम श्याम की पाती। अगर यह इस कार्यकला को समझिए, जब वो चिट्ठी का रंग काला है, वो जिस पेन से लिखा गया, जब राधा उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है तो उसके आंसू गिर के उसके अक्षर श्याम वर्ण के हो जाते हैं। और कृष्ण का रंग का कैसा है, श्याम वर्ण का है। अर्थात सूर ने लिखा कि वह श्याम की पाती श्याम रंग की हो गई, अर्थात उसमें कृष्ण ही दिखाई देने लगे। यह है हमारी हिंदी भाषा का जादू। और इसको स्वीकार करना होगा, हमको अपनी भाषा को किस प्रकार आत्मसात करना होगा। और वह दिन दूर नहीं, जैसा कि अभी बात हुई कि एक दिन पूरे हमारे हिंदी का विश्व लोहा मानेगा और हम सिरमौर बनेंगे। बहुत बहुत आभार सबको प्रणाम।